नमस्कार सर। सत साहिब। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम सुधीर दास। सुधीर दास जी कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्राम झिंदुआ, तहसील बरथना, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं श्रीमद् भागवत कथा किया करता था, और उस कथा को करके हम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे और बहुत ही ये सोचा करते थे कि मैं जो कर रहा हूँ, हरि की भक्ति भी हो रही है और पेट का धंधा भी हो रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये पता चला था कि मैं तो बहुत ही पाप इकट्ठा कर रहा हूँ। सर, आप कथावाचक थे, श्रीमद् भागवत कथा आप करते थे, भगवत गीता जी की कथा आप करते थे और अपने आप को एक बहुत बड़ा विद्वान समझते थे, और इससे आपकी रोजी रोटी भी चलती थी और आप समझते थे कि भगवान की भक्ति भी साथ साथ हो रही है। तो फिर सर, आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले मैं कथा भागवत जो करता था, तो ये एक बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी रोचक कथा। मैं कथा भागवत करने के उद्देश्य से बम्बई में गया हुआ था, तो ट्रेन में मैं चल रहा था, वहाँ पर मुझे ये पुस्तक भक्ति सौदागर को संदेश मिली। हमारी दो बहनें थीं जो उस ट्रेन में जो पुस्तक बांट रही थीं, तो एक तो मतलब जो टेम्पलेट ले रखा था उन्होंने और पीछे से दूसरी पुस्तक लेकर के चल रही थीं। तो टेम्पलेट पर मैंने देखा कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माता, शंकर का दादा कौन है, इस तरीके के जो सवाल मेरे दिमाग में कभी उठे भी नहीं थे, ऐसे सवाल देख करके मैं तो बड़ा हैरान रह गया। और जब मैंने पूछा, मैंने कि भाई ये पुस्तक कहाँ मिलेगी, तो उन्होंने इशारा किया कि वो पीछे हमारी बहन जी आ रही हैं, वो आपको ये पुस्तक देंगी। तो मैंने वो पुस्तक ले ली। पुस्तक को जैसे ही संयोग से मैंने खोला, तो उस पर ये संसार रूपी उल्टा वृक्ष का चित्र जो छपा हुआ था, उस चित्र को देख करके मैंने देखा उस पर जड़ पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब की तस्वीर लगी हुई थी। तो मैं चूँकि अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता था, और मैंने उसको देख करके मैंने हंसना शुरू किया। मैंने कहा ये देखो, कबीर को परमेश्वर बता दिया पूर्ण ब्रह्म, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को तो डालियाँ बता रखा है इसमें। तो वो हमारी बहन जो पुस्तक लेकर के चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप क्या जानते हो कबीर साहब के बारे में? मैंने कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये तो एक जुलाहा थे और लहर तारा तालाब के किनारे नीरू और नीमा को पड़े हुए मिले थे, ये तो किसी विधवा ब्राह्मणी के पैदा हुए थे। तो वो कहने लगी कि आप मूर्ख हो। मैं उस समय, जैसे आज ये पैंट शर्ट पहन रखे हैं मैंने, उस समय तो मैं कुर्ता और धोती मैं रहता था, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता मानता था। मैंने कहा कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, आप ऐसे कहती हो, मैं तो कथावाचक हूँ। वो हमारी बहन बोले कि आप कुछ नहीं जानते हो, आप मूर्ख हो। इस शब्द को सुनकर के मैंने अपने आप को वहाँ उस भरी ट्रेन में बड़ा अपमानित महसूस किया। मैंने सोचा, मैंने चलो ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाऊँगा। मैंने कहा बहन जी आपकी पुस्तक कितने की है? कि बोले 10 रुपये की। मैंने वो पुस्तक ले ली और पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। तो जहाँ मैं जा रहा था, थोड़ी ही पुस्तक पढ़ पाई तब तक मैं वहाँ पहुँच गया, और उस घर में जहाँ मेरा प्रोग्राम था वहाँ पहुँच गया मैं। फिर उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ना शुरू किया, तो कभी तो मन में आता बोले कितना घटिया लिखा है इसमें, तो गलत लिखा है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बड़े दिमाग में उल्टे सीधे प्रश्न आ रहे थे। लेकिन फिर जैसे जैसे पढ़ते गए, तो बर्दाश्त जब नहीं हुआ, एक जगह जाकर के मुझे रुक जाना पड़ा। उसमें लिखा था कि द्रौपदी का चीर कृष्ण ने नहीं बढ़ाया था, वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब ने बढ़ाया था। तो चूंकि मैंने तो यही पढ़ रखा था जो शास्त्रों में लिखा था कि कृष्ण भगवान ने चीर बढ़ाया है, तो मैं इस चीज़ को देख करके बड़ा हैरान हो गया, और मैंने सतलोक आश्रम बरवाला के लिए उस पुस्तक पर लिखे हुए फ़ोन नंबर तुरंत डायल कर दिए। और यहाँ पर जो हमारे कोई भगत जी ने फ़ोन उठाए, उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा, मैंने कि आपके यहाँ से ये पुस्तक छपी हुई है भक्ति सौदागर को संदेश? बोले हाँ जी छपी हुई है। तो आपने उसमें पृष्ठ संख्या इतने पर ये कैसे लिख दिया है कि ये कृष्ण ने चीर नहीं बढ़ाया? तो वो कहने लगे कि भगत जी बिल्कुल सही है, आप पहले पूरी पुस्तक पढ़ो, ज्ञान समझो, और जो भी शंकाएँ हों आप यहाँ आ जाइए, अब मैं आपकी सारी शंकाएँ समाधान कर दूंगा। मैंने कहा आप कुछ नहीं है, इस तरीके से तो आपने गलत बोल रखा है, ऐसा नहीं है, कहीं कोई प्रमाण नहीं है। बोले कि सब कुछ प्रमाण सहित मिल जाएगा, आप यहाँ आओ। तो मैंने फिर उस पुस्तक को फिर पढ़ना शुरू किया, क्योंकि मैं एकादशी व्रत भी रहता था, और जैसे इस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित एक पुस्तक चलती है वहाँ से, जो एकादशी महात्म के नाम से, तो वो पुस्तक मैंने पढ़ी। उस पुस्तक में मैंने ये पढ़ रखा था कि एकादशी का व्रत एक तरफ और दुनिया के सारे व्रत एक तरफ, यानी कि सबसे बड़ा व्रत होता है। और राजा अम्बरीश की कथा सुनाया करता था जब मैं मंच पर बैठ करके, तो उसमें जो दुर्वासा ऋषि जैसे
ऋषि के छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने, तो वो भी एकादशी का व्रत ही रखते थे, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। तो मैं ये मानता था कि ये व्रत सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जब ये पुस्तक पढ़ी भक्ति सौदागर को संदेश, उसमें ये पता चला कि ये व्रत रखना तो ये मना किया हुआ गीता में, फिर तो ये शास्त्र विधि को ताक करके मनमाना आचरण हो गया। अब मेरी समझ में ये आने लगा कि वास्तव में सच्चाई तो कुछ है, लेकिन चूँकि मैं अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानता था इसलिए सेट नहीं कर पा रहा था अपने आप को। अब मैं बहुत दुखी हो गया, इतना दुखी उस संयोग से, उस समय एकादशी ही थी, उस दिन मैंने व्रत कर रखा था और अपनी जो भी दैनिक पूजा पाठ कर रखी थी जो थी वो कर करने के बाद मैं भोजन भी नहीं किया था, जल भी ग्रहण नहीं किया था। अब मैं बड़ा हैरान था, इतना दुखी मैं अपने आप को ये सर्टिफाई नहीं कर पा रहा था कि ये जो पुस्तक में लिखा हुआ ये सत्य है या जो मैंने अभी तक पढ़ा वो सत्य है। ऐसी उधेड़ बुन में पूरा समय निकल गया, रात हो गई, अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं इतना दुखी जैसे किसी को पुत्र शोक हो जाता है, उससे भी बढ़कर के मुझे इतना दुख था कि वास्तव सच्चाई क्या है। ऐसे ही मतलब सोचते सोचते पता नहीं मेरी कब आँख लग गई, और उसी समय सपने में हमारे परम पूजनीय सदगुरुदेव जी के रूप में परमात्मा स्वयं आकर के हमसे कहने लगे, बोले बेटा ये जो आज तुझे ये मार्ग प्राप्त हो रहा है ये है सच्चा मार्ग, वो अभी तक जिस मार्ग पर तू चल रहा था ये झूठा है बिल्कुल। इसको देखने के बाद में मैंने एकदम से मेरी आँख खुल गई, देखा उस समय सुबह के 4:30 बजे का समय था, मैं चूँकि जानता था कि ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और मैंने निश्चय किया कि ये जो मार्ग अब प्राप्त हो रहा है, ये जो पता चला है ये सच्चा मार्ग है। तो मैंने एकदम से अपने आप को सेट किया, मैंने कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब सतलोक आश्रम बरवाला जाऊंगा। अब जैसे ही मेरा वहां से कार्यक्रम समाप्त हुआ, मैं जब वापस आया यहां अपने इटावा में, मेरे पिताजी चूंकि शंकर जी की साधना किया करते थे, मैंने उनको बताया, मैंने कि पिताजी आप ये साधना करते हो ये गलत साधना है, और मैंने हजारों बार गीता पढ़ डाली थी, जब गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से लेकर के 15 तक पढ़ता था उसमें लिखा हुआ है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वालों को राक्षस स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीच कहा गया है, और लास्ट में लिखा हुआ कि मेरी भी साधना नहीं करते, तो यहाँ पर मेरी बुद्धि चकराया करती थी कि ऐसा क्यों लिखा है, सारा समाज तो कृष्ण भगवान की पूजा करता है और कृष्ण भगवान ही गीता का ज्ञान दे रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ कि मेरी साधना नहीं करते। और फिर जब गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में जब पहुँचता उसमें लिखा हुआ कि उस ज्ञान को तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर के समझ, तो यहाँ मैं सोचा करता था कि वो तत्वदर्शी संत कौन होगा, कैसा होगा। मैं सत्य बता रहा हूँ भगत जी कि जब मैं कहीं मंच पर बैठ करके कथा कर रहा होता और मेरे सामने से कोई कथा सुनने के वाला कोई भी संत या महात्मा आया करता, तो मैं ये देखा करता था, मेरे दिमाग में एकदम से आती कि कहीं ये वो तत्वदर्शी संत तो नहीं है जो गीता जी का ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे मतलब जो बताया कि उस ज्ञान को जाकर के परमात्मा ज्ञान को उनसे जाकर के समझो। लेकिन पढ़ते रहते थे, समझ में कुछ नहीं आता था, कृष्ण भगवान को अपना इष्ट मानते थे, कई बार मैं कृष्ण भगवान के सामने बैठ करके रोया करता था कि हे परमात्मा आप तो कुछ भी करते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप तो सुख के दाता हो, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला था। मेरे पिताजी जो शंकर जी की साधना करते थे, सारा जीवन उन्होंने बगैर नहाए धोए कभी जल भी ग्रहण नहीं करते थे, इतना मतलब भक्ति करते थे शंकर भगवान की, और उनके जीवन पर अगर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे कि उनके जीवन में कभी सुख नहीं मिला, जब उन्हें किसी प्रकार का कोई सुख नहीं मिला, भक्ति इतनी ज़्यादा करते थे लेकिन आध्यात्मिक लाभ तो बहुत दूर रहा, वैसे भी कोई उनको लाभ नहीं हुआ, भरी जवानी में उनकी आंखें खराब हो गईं, इतने दुखी रहते थे, साधना करते थे फिर भी आगे चल करके धीरे धीरे, हम दो भाई थे, हमसे बड़े भाई जो थे वो भी हमारे भाई और भाभी दोनों लोग चल बसे, उनके जीवन में इतना कष्ट आया, इतना कष्ट मिला उन्हें, कभी कोई सुख नहीं मिला क्योंकि इतना उनको दुख मिला और भक्ति फिर भी चलती रही। मेरी माताजी भी शेरावाली की भक्ति करते थे और हम भी बचपन से ही पता नहीं कैसे अपने को सेट किए हुए थे, कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को, शंकर जी की ऐसी साधना हमारे घर में चल रही थी, हम भी उसी साधना को कर रहे थे, लेकिन उस साधना से ना तो मुझे कोई लाभ हुआ ना हमारे परिवार वालों को, उल्टा कष्ट पर कष्ट ही आते रहे, और हम प्रार्थना किया करते थे कि मालिक मुझे सुख दे। जब मैं कथा भागवत करने लगा तो मैंने ये सोचा कि मेरे ऊपर अब कृष्ण भगवान ने बड़ी दया की है, क्योंकि अब तो ये हमारा धंधा भी चलने लगा था, पैसा भी मिलता था, इज्जत सम्मान सब कुछ मिलने लगा, तो अब मेरी समझ में ये आ रही थी कि मेरे इन कृष्ण भगवान ने ही मुझे सब कुछ दे रखा है, सारा सुख दे दिया, ये सुख के दाता हैं। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं अशांति जरूर रहती थी, तो मैंने अपने पिताजी से आकर के बताया, मैंने पिताजी जो आप साधना कर रहे हो ये तो इसमें पुस्तक में लिखा हुआ कि सब गलत साधना है। जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ करके उनको सुनाया, पहले तो वो नहीं माने, बोले कि बिल्कुल झूठ है ये, लेकिन जब मैंने क्रम से उस पुस्तक को पढ़ करके सुनाया, सृष्टि रचना पढ़ के सुनाई, तो सारी कहानी उनके समझ में आई, पिताजी को इतनी तड़प बनी कि चलो जल्दी करो। उस समय
हम उनको लेकर के और सतलोक आश्रम बरवाला के लिए चले, तो हमारे गांव के और भी भगत लोग चल दिए। लगभग 12-15 लोगों को लेकर के हम यहाँ पर आ रहे थे। जैसे ही हम रोहतक में पहुँचे तो रोहतक में उतर करके हमने देखा, मैंने चलो अब ट्रेन का पता करता हूँ यहाँ से कितने बजे मुझे ट्रेन मिलेगी। वो रोहतक की जो ट्रेन थी वो उधर भिवानी की तरफ जा रही थी, इसलिए मुझे वो छोड़नी पड़ी। तो लोगों ने बताया कि आपको यहाँ से ट्रेन मिलेगी जींद के लिए, आपको जींद जाना है। तो मैं अब ट्रेन का पता करने के लिए जैसे ही गया वहाँ पर, तब तक कुछ काल के ऐसे दूत लग गए कुछ वहाँ पर आकर के हमारे जो साथियों को उन्होंने भ्रमित कर दिया। अरे कि आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया कि मैं बरवाला जा रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जा रहा हूँ, सतलोक आश्रम में। तो उन्होंने कहा अरे वहाँ क्यों जाते हो, वो तो बहुत बड़ा जादूगर है, वो तो बहुत बड़ा तांत्रिक है, और वहाँ जाओगे तो फिर तो आपको इतना वो बसीभूत कर लेगा कि आपका दुनिया में कहीं मन नहीं लगेगा, बार बार भाग करके इधर आओगे। ऐसे कह करके उनको भ्रमित कर दिया। और मैं जैसे ही ट्रेन का पता करके आ रहा था, तब तक एक सज्जन कह रहे थे, बोले कि मेरी भक्तमती एक बार करौथा आश्रम में चली गई थी और उनको वहाँ पर प्रसाद दे दिया था, मैंने वो प्रसाद मैं उनको ग्रहण नहीं करने दिया, भैंस की नांद में फेंक दिया। तो वो मूर्ख कह रहा था कि वो भैंस खूंटा तोड़ करके सतलोक आश्रम करौथा में पहुँच गई थी, ऐसा जादूगर है वो। तो अब क्या हुआ, तो हमारे और जो साथी थे वो कहने लगे भाई तो हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि आप लोगों की सबसे बड़ी भूल तो ये है कि आप विश्वास बहुत जल्दी करते हो। पहले तो आपने मेरी बात विश्वास किया, आप यहाँ तक आ गए, अब इन लोगों पर विश्वास कर रहे हो। ऐसा ना करो, आप पहले मेरी बात मानो, चलो हम जड़ तक चलेंगे जहाँ सच्चाई का मतलब पता लगा के आएंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है। तो कुछ लोग नहीं माने, वो कहे नहीं हम तो घर जाएंगे। हम कहे तो भैया ठीक है, आपको जाना है तो जाओ, मैं और मेरे पिताजी, हम दोनों लोगों ने दृढ़ निश्चय किया कि हम लोगों को बिल्कुल जाना ही है और सच्चाई का पता लगा करके लौटेंगे। अब हम जैसे ही यहाँ बरवाला पहुँचे, बरवाला पहुँचने के बाद मैंने फ़ोन किया, मैंने कि मैं यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ा हूँ, तो यहाँ सतलोक आश्रम की वहाँ गाड़ी लेकर के जैसे ही पहुँचे भगत जी हमारे, हम लोगों को लेके आए, तो मन में बड़ी शांति आई कि भाई ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। अब जैसे ही हमने अपने आप को ये सेट कर रखा था कि सतलोक आश्रम में पहुँचेंगे तो वो कोई जादू तांत्रिक होंगे, वो कुछ खाने पीने के लिए सामान देंगे जैसे उन्होंने बताया था, तो हम खाएंगे नहीं, चलो देख लेंगे वहाँ पर। लेकिन जैसे ही सतलोक आश्रम बरवाला में जैसे ही प्रवेश किया, वो पुराना वाला जो दौलतपुर रोड पर आश्रम है उसमें जैसे ही प्रवेश किया, मैंने वहाँ पर अपने बहुत से लोगों को देखा। ऐसा लगा कि इन लोगों को से हम पता नहीं कितने दिनों से इनसे परिचित हैं, कितने दिनों से इनको जानते हैं। एक भगत जी हमारे पास आकर के एकदम से तुरंत हमसे गले लपेट गए, बोले भगत जी कितने दिनों बाद आप आए हो। ऐसा लगा कि इनको हम पता नहीं कितने दिनों से जानते हैं, और बड़ा अच्छा सा लगा। फिर उन्होंने मुझे सारी व्यवस्था दिखाई, नाम लिया, उपदेश लिया। मेरे ऊपर संत रामपाल जी महाराज की दया 11 अक्टूबर सन 2009 को हुई थी, उसके बाद में मालिक ने मेरे साथ बहुत चमत्कार किए। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सबसे बड़ा तो लाभ मुझे ये मिला कि जब हम लोग सतलोक आश्रम बरवाला पहुँचे और सतगुरुदेव जी से उपदेश लेने के बाद में दर्शनों के लिए जब गए, पिताजी मेरे साथ थे, चूँकि मेरे पिताजी मैंने आपको पहले बताया भगत जी उनको दिखाई नहीं देता, आंखें खराब हो चुकी हैं, तो मैंने की उंगली पकड़ करके ले जा करके दर्शन के लिए ले गया, तो मेरे पिताजी सतगुरुदेव की चरणों में फूट फूट कर रोने लगे। वो कहने लगे, बोले बेटा आप क्यों रोते हो? तो जब ये शब्द मैंने सुना कि ये मेरे पिताजी की उम्र उनसे ज़्यादा लग रही थी और उन्होंने बेटा शब्द कहा, तो मेरे दिमाग में हथौड़ा सा लगा, बोले कि ये कैसे कह सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है, अपने से उम्र में बड़े को बेटा नहीं कह सकता, ये तो स्वयं परमात्मा ही है। और मैंने जब दंडवत प्रणाम किया तो कहने लगे, बोले बेटा तू नहीं जानता है तुझे कैसे निकाला मैंने, ऐसे परमात्मा की शरण में तू आ गया है, तेरा उद्धार हो गया। मेरे पिताजी फूट फूट कर रोने लगे, वो कहने लगे क्यों रोते हो? तो पिताजी ने कहा कि मेरी उम्र पूरी व्यर्थ चली गई। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने आपकी 20 वर्ष की उम्र और बढ़ाई है। तो मैंने उस समय ये शब्द बड़ा अतिशयोक्ति माना, मैंने कि ऐसे गुरुजी ने कह दिया होगा, लेकिन ये सत्य था। हम लोग जब उपदेश लेने के बाद घर वापस पहुँचे, पिताजी पर एकदम अचानक उन पर अटैक पड़ा और इतनी हालत उनकी बिगड़ने लगी, मुझे ऐसा लगा कि अब इनकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन परमात्मा ने ये शब्द बोला था, मैं मुझे उस पर विश्वास था कि कोई भी संत होता है, जो परम संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं, जो कह देते हैं वो सत्य होता है। मैंने तुरंत सतलोक आश्रम बरवाला में फ़ोन लगाया और उनको बताया, मैंने भगत जी मेरे पिताजी की हालत ऐसी ऐसी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अमृत जल और प्रसाद जो रखा है उसको दे दो और दंडवत प्रणाम करने के बाद में परमात्मा से प्रार्थना करो और जितनी जल्दी हो सके आप शीघ्र यहाँ ले आओ। भगत जी 2 बार अटैक पड़ा उनको और उसके बाद में हालत, जैसे ही मैंने उनको प्रसाद और अमृत जल दिया, उनकी हालत में तुरंत सुधार हो गया। उसके बाद में मैं तुरंत ही वहाँ से निकला और सतलोक आश्रम बरवाला में आकर के सदगुरु देव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और इस तरीके से मालिक ने आज तक, अब मेरे पिताजी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और जैसा उन्होंने कहा था कि उनकी उम्र बढ़ाई है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस समय उनकी उम्र लगभग 86 वर्ष की हो रही है।
उसके बाद में हमारे साथ और बहुत से चमत्कार किए, मेरी स्वयं उम्र बढ़ाई, मेरे बच्चे को जीवन दान दिया। एक बच्चा मेरा बड़ा वाला एक दिन एक पेड़ पर जमनी खाने के लिए चढ़ गया था और उस पेड़ से अचानक वो गिरा। जहाँ पर गिरा था वहाँ पर चारा खिलाने के लिए, बैलों को चारा खिलाने के लिए ये नांद जो बना रखी होती है उसके और बीच में एक खूंटा गड़ा हुआ था, उनके दोनों के बीच में गिरा। अगर मान लीजिए सिर उसकी उसमें लगता पक्की चट्टान सी थी तो सिर फट जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती, अगर खूंटे के ऊपर गिरता कहीं भी मतलब पेट में या कहीं घुस जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती। उस दिन उसका मृत्यु योग था, लेकिन मालिक ने इतनी दया की कि उस नांद और खूंटे के बीच में वो गिरा, थोड़ा सा हाथ में चोट लगी जो मालिक की दया से वो अब बिल्कुल सही है, ऐसे उसकी जान बचाई। और एक दिन छोटा बेटा मेरा यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में आया हुआ था मेरी माताजी के साथ में, और यहाँ से जब जो लोग वापस जा रहे थे, क्योंकि इटावा रेलवे स्टेशन पर इनको उतरना था, लेकिन माताजी तो उतर गई, वो छोटा बच्चा उतर नहीं पाया और ट्रेन चल पड़ी तो माताजी एकदम दाढ़े मार मार के रोने लगी कि मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया। हमारे और भी गुरु भाई हमारी माताजी के साथ में थे, उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, बोले भगत जी आपका छोटा बेटा ट्रेन से नहीं उतर पाया है और माताजी इस तरीके से बहुत ज़्यादा रो रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि माताजी से आप कहो कि वो चुपचाप घर जाएं, वो परमात्मा का बच्चा है, वो मेरा बच्चा नहीं है, मालिक अपने आप दया करेंगे, वो बच्चा अपने आप घर आ जाएगा, आप चिंता ना करो। चूँकि मैं घर पर था तो ये फ़ोन पर वार्ता हो रही थी, हमारे पड़ोसी और लोग सुन रहे थे, तो वो उनको पता चला वो क्या हो गया है। तो मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे छोटा बेटा जो है वो ट्रेन में बैठा चला गया, वो उतर नहीं पाया है। तो वो लोग हंसी उड़ाने लगे, खिल्ली करने लगे कि आप तो कहते हो आपके परमात्मा हैं संत रामपाल जी महाराज, तो अब देखो आप परमात्मा होंगे। तो मैंने कहा आप चिंता ना करो, आप ऐसा मत बोलो, आप नहीं जानते हो, वो परमात्मा ही हैं, और अभी बच्चा देखना थोड़ी देर बाद अपने आप वापस आ जाएगा। और मैं इस विश्वास के साथ मैं तो बिल्कुल दृढ़ हो गया था, मैंने कि कुछ नहीं होगा, वो अपने आप परमात्मा दया करेंगे, और मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ लोग कहने लगे अरे आप जा करके आगे देखो, अगली स्टेशन पर शायद उतर जाए। मैंने कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी जब ज़्यादा लोगों ने कहा, हमारी भक्तमती बड़ी दुखी होने लगी, मैंने कहा आप चिंता ना करो, आज मालिक की दया से पूरा परिवार हम लोग परमात्मा की शरण में है। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, दुखी होने लगी, मैंने कहा आप चिंता ना करो, चलो मैं जाता हूँ। तो मैंने जैसे ही घर से और निकला था तो मैं क्या देख रहा हूँ कि उधर से वो बच्चा मेरा अपने आप चला आ रहा है रोड पर। अब मैं उसके पास पहुँचा, मैंने पूछा मैंने माताजी को कहाँ छोड़ दिया, वो कहने लगे माताजी इटावा में उतर गई थी, मैं उतर नहीं पाया। मैंने कि आप कहाँ उतरे हो, तो अगला स्टेशन जो था वो वहाँ उतर गया, जैसे मान लीजिए छोटा सा बालक था और उससे कोई कह रहा, बोले बेटा यहाँ उतर जाओ। उसका जो बैग था उसमें दीक्षा फार्म था यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला का, वो चला गया, सारे कपड़े चले गए और वो बच्चा उतर के आ गया। तो मैंने बेटा तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तो वो कहने लगा कि कोई अंकल जी आए थे और मुझे साइकिल पर बिठा करके इधर से लेकर के इधर आए। तो मैंने कि बुक चले किधर गए, बोले वापस चले गए। मैं समझ गया कि ये परमात्मा का ही काम है, ये कोई जीव की ताकत नहीं ऐसा नहीं कर सकता है। और मेरे साथ में मेरी स्वयं उम्र बढ़ाई मालिक ने। मैं एक बार भिंड जिले से लौट करके अपने इटावा आ रहा था, मारुति वैन में आगे बैठा हुआ था, 60-65 की स्पीड में मारुति वैन, ड्राइवर ने उसको बहुत कंट्रोल किया लेकिन पता नहीं उसकी स्टीयरिंग फेल हो गई क्या हो गया, वो सीधी जा करके एक दीवार में घुस गई। तो आगे का जो डैशबोर्ड था मैं आगे ही बैठा हुआ था क्योंकि ड्राइवर के साथ में, तो ड्राइवर की जो साइड थी उसने अपनी साइड तो बचा ली, लेकिन जिस साइड मैं बैठा हुआ था वो एकदम से ऐसी गाड़ी पिस गई, मैं उसमें फंस गया। तो मैंने अपने आप को ऐसा महसूस किया कि मेरी दोनों टांगें कट चुकी हैं और नीचे से यहाँ से लेकर के नीचे का धड़ जो है वो मेरा समाप्त हो गया है और अब तेरी मृत्यु निश्चित है। उसी समय जैसे मान लो मेरे से कोई कह रहा है कि बेटा सतनाम का जाप कर, मैंने सतनाम का जैसे ही जाप किया, अभी 2 मिनट ही हुए थे, एकदम से शरीर में चेतना हुई, जैसे मान ली मैंने अपने आप को महसूस किया हो कि कोई मुझे नीचे से एकदम से आशीर्वाद दे करके, बिल्कुल वो परमात्मा की दया थी कि मेरा शरीर बिल्कुल सही है, मैंने अपने आप को सही महसूस किया कि टांगें भी सुरक्षित हैं और भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, मुझे चूंकि मैं फंस गया था पीछे खींच करके निकाला गया और हमारी चोट भी यहाँ पर लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, उस दिन मेरा मृत्यु योग था, लेकिन मालिक ने मेरे ऊपर दया की, मुझे जीवन दान दिया। मुझे अनायास ही वो शब्द याद आ गए जो मैंने कभी बचपन में किसी तांत्रिक से पूछा था। एक बार मैंने एक तांत्रिक से, वो हाथ देखने वाला आ गया था, उससे मैंने अपने जीवन चूँकि दिखाया करते थे पहले, ऐसे धारणा बनी रहती थी, तो उसने मुझे बताया था, बोले बेटा आपकी 35 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगी। तो मैंने ये झूठ माना था और उसने ये भी कह दिया था कि आपके भाई की भी मृत्यु 35 वर्ष में हुई है और आपकी भी मृत्यु 35 वर्ष में होगी। उस दिन मैंने जब वो दिन तुरंत मुझे याद आ गया, उस दिन दास ये पूरा 35 वर्ष का हो चुका था। तो मैंने समझ लिया कि ये मालिक ने दया की, आज मेरा मृत्यु योग था, इस तरीके से मुझे मालिक ने मुझे भी जीवन दान दिया, मेरे ऊपर बड़ी दया की। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत से लाभ मिले, आपको जीवन दान भी मिला, आपके बच्चों को जीवन दान मिला, आपके पिताजी को भी जीवन दान मिला। तो
तो सर भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं साधना चैनल वालों का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सच्चाई हम लोगों तक पहुँचाई। हम लोगों को पता ही नहीं था कि वास्तव में सच्चाई क्या होती है, और साधना चैनल वालों का मैं बहुत ही आभारी हूँ। और ख़ास तौर से मैं अपनी बहन नेहा शर्मा का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों के सामने उस कार्यक्रम को जो पेश किया है, उससे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। और साधना चैनल वालों का इतना धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने सच्चाई को हम लोगों तक पहुँचाया, और मीडिया का काम भी यही है कि सच्चाई को सामने पहुँचाए। और भक्त समाज को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी आज हमारे भाई जो राम कृष्ण विष्णु इनकी चक्कर में पड़े हुए हैं, जो हमारी तरीके से कथावाचक बनकर के अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान कह रहे हैं, मैं उनसे बार बार प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आओ, वो छोड़ दो झूठा नाम और ये साधना करने से कोई लाभ नहीं है, और अपने आप को जो विद्वान मानते हो आप विद्वान नहीं हो, आप पाप के भागी हो रहे हो। और सतलोक आश्रम बरवाला में स्वयं कबीर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनकी शरण में आने के बाद आपको कल्याण हो सकता है, नहीं तो विश्व में कोई भी संत कहीं भी कोई भी मंदिर मस्जिद में जाने से कोई भी आपका कल्याण नहीं कर सकता है। ये मैं सत्य कह रहा हूँ, और ये बिल्कुल ये यथार्थ है कि परमात्मा की शरण में आने के बाद ही आपका कल्याण संभव है, नहीं तो कहीं कल्याण संभव नहीं है। ये झूठी कथा भागवत करने से या किसी तरीके से अपने आप को विद्वान साबित करने से अपने आप को धोखा दे रहे हो, ये मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं अभी आप, ये पूर्व जन्म के संस्कार आपके हैं जो आपको मिले हुए हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि जो लोग भी साधना चैनल के माध्यम से हमारी इस बात को सुन रहे हैं, मैं सबसे ये संदेश पहुँचाना चाहूँगा कि बहुत जल्दी शीघ्र अति शीघ्र बिना किसी पल को गंवाए हुए सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में आइए, और सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। सत साई जी, धन्यवाद आपका बहुत।